अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे जो वो आप अनलिमिटेड जीमेल्स बना सकते हैं, वो भी बगैर किसी ओटीपी वेरिफिकेशन के साथ। आपको पता है कि जितने भी यूट्यूबर, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं, उनमें से कोई भी जो है वो रियल मेथड शेयर नहीं करता, ठीक है, जीमेल्स का। सब शेयर करते हैं मेथड्स, आपको बताते हैं, लेकिन वो मेथड होते हैं जिनसे आपकी जीमेल्स जो है वो या तो बनती ही नहीं है, ठीक है, वो वीडियो को स्किप करके कुछ ऐसे ट्रिक लग ओ टी पी डालकर देन वीडियो को अगेन प्ले कर देते हैं, ठीक है, या तो बनती नहीं है। अगर भी शेयर करता है तो जिससे बन भी जाती है, लेकिन वो ये होता है कि वो एक दिन बाद या एक वीक बाद वो जो जी मेल आपकी डिसेबल हो जाती है, ठीक है। तो मैं जो मेथड लाया हूँ, उसमें आपको ना किसी ओ टी पी की ज़रूरत पड़ेगी कि ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिंपल क्या करना है कि आपने अपनी जी मेल्स बनानी है। आप जितनी जी मेल्स हैं बना सकते हैं उससे, और वो भी अनलिमिटेड। और आप जी मेल्स बना के जो हज़ारों रुपये कमा सकते हैं, हज़ारों रुपये इस तरह कि आप जो है इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं फेसबुक पर जाकर, कि आप तुम जी मेल्स आप सेल कर सकते हैं बना के। एक जी मेल, ये जो लाइफ टाइम गारंटी वाले जी मेल होते हैं, वो तकरीबन 35 से 40 रुपए की एक जी मेल सेल होती है, ठीक है। तो आज के इस मेथड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने जी मेल्स बनानी है। आपने करना बस क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना मोबाइल ऑन कर लेना है, मोबाइल पर आपने अपना जो है ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र। तो जैसे आप क्रोम ब्राउज़र करेंगे, आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेनी है, ठीक है। न्यू टैब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद ये आपके थ्री डॉट्स हैं टॉप राइट कॉर्नर पे, आप इन पे क्लिक करना है। आपने करके आपने आना है हिस्ट्री पे, ठीक है। आपने इसकी हिस्ट्री जो वो सारी की सारी आपने क्लियर कर देनी है। आप बेसिक भी सारे सिलेक्टेड कर लेनी है, और इसके बाद ये जो है एडवांस वाली आपने ये भी सारी सिलेक्टेड कर लेनी है, ठीक है। इसको सिलेक्टेड करके आपने करना है क्लियर डाटा, ठीक है। तो ये आपने क्या कर देना है, क्लियर डाटा कर देना है। आपकी सारी हिस्ट्री क्लियर होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है, आपने यहाँ पे सर्च करना है गूगल हेल्प, ठीक है। यहाँ पर आपने ये सर्च किया गूगल हेल्प, तो जैसे आप सर्च करेंगे सबसे पहले गूगल सपोर्ट आपने इस पे आ जाना, ठीक है। और इस मेथड पे ना आपको किसी वीपीएन की ज़रूरत है, किसी भी सिंगल चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल इस पे आ जाना है। इसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, आपसे वो बोला या ईमेल डालनी, लेकिन आपने इस पर क्लिक नहीं करना। आपने करना है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना है फॉर माई पर्सनल यूज़, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अगला पेज आपके पास आ जाएगा, जिसमें वो आपसे फॉर्म वगैरह मांगेंगे। यहाँ पर आपके अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं, ठीक है, कोई भी अपना जो है फर्स्ट नेम ऑप्शनल कोई भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई भी रैंडम से आपने सिलेक्टेड कर लेनी है, आपका जो ईयर है वो भी आपने, और उसके बाद आपने जेंडर, ठीक है। देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है अगेन। उसके बाद यहाँ पर आपसे ईमेल मांग रहा है, ठीक है। तो आपने कोई भी ईमेल लिखते हैं, ठीक है, मैं लिख रहा 2324415, ठीक है, मैं ये ईमेल कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। उसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आपने यहाँ पर अपना कोई भी पासवर्ड रख लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने पासवर्ड रख लेना है। उसके बाद आपने आगे क्या करना है, इसको आपने कर देना है नेक्स्ट सिंपल, ठीक है। तो ये देखें, ये आपके पास आ गया है ना ऑप्शन कि आपने रिकवरी ईमेल एड्रेस डाल दें। ये आपके पास एक स्किप का ऑप्शन आ गया, एक नेक्स्ट का। तो आपने यही कोशिश किया करें कि जो भी मेल बनाते हैं उस पर आप रिकवरी लाजमी डालें, ताकि वो लाइफ टाइम आपके पास जो वो चलती रहे, ठीक है। तो आपने ये रिकवरी ईमेल लाजमी डालनी है, इस पर आपने करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन वो क्या करेगा आपसे, ये आपका जो एक बन गया है, ठीक है, जीमेल तकरीबन था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बन गया। अभी मोबाइल नंबर मांग तो रहा है, लेकिन आपके पास स्किप का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको कर देना स्किप सिंपल, ठीक है। ये देखिए, आपका जो एक जीमेल अकाउंट है वो बहुत ही आसानी से बन के जो सामने आ गया, वो बिल्कुल ईजीली, ठीक है। इसमें कोई भी इतनी मुश्किल काम नहीं है, ना किसी भी पिन की जरूरत पड़ी है, ना मैंने वीडियो स्किप की है। आपके सामने आपको जो है जीमेल अकाउंट बना के दे दिया, और आप इस मेथड से जो है ना आप डेली के जो काफ़ी ज़्यादा मेल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, मेरी एक मेल बन के रेडी होगी हुई है। ये देखें, ये मैंने बनाई थी असर 2324, ठीक है, 4145, इससे मैंने ये बनाई थी। मैं इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, ताकि बाद में मेरे काम आए, ठीक है। ये अब मैं आपको सेम इसी पे एक सेकंड मेल बना के दिखाता हूँ।
ताकि आपको वाकई स्क्रीन हो जाए कि वाकई जो मेल आप बना सकते हैं अनलिमिटेड। यहाँ पर आपने क्लियर डाटा पे अगेन क्लिक कर देना है। क्लियर डाटा किया, अगेन अगेन आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है, गूगल हेल्प सर्च कर लेना है, ठीक है। बल्कि ये गूगल हेल्प का ये इसका जो पेज आपके पास ओपन ही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करना है। अगर ना ओपन हो तो आपने गूगल हेल्प अगेन सर्च करना करके किसी भी आ जाना है। तो यहाँ पर अगेन आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, फॉर्मल पर्सनल यूज़ पे, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम रख देना, ठीक है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ अहमद। और उसके बाद आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ कोई भी दे देनी है, ठीक है। और उसके बाद कोई डे ईयर और जेंडर, ठीक है। देन आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। यूज़र नेम मांग रहा है अगेन अहमद, ठीक है। तो ये जो वो मैंने दे दिया हुआ, एक यूज़र नेम दे दिया हुआ, ठीक है, रैंडम जैसे। तो यहाँ पर अगेन मैं पासवर्ड इसको देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लूँ, मैंने पासवर्ड रखी, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो देखें ये सेकंड मेरी मेल है, वीडियो पे लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें भी सेम वो आ गया हुआ है क्या, मतलब बगैर ओटीपी के। इस तरह आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेल्स बना सकते हैं, ठीक है, बनाते रहे हुए हैं। लेकिन डेली की आप कोशिश करें कि अगर मेल बनानी, अगर आपने 2 से 3 मेल्स बना लें, उसके बाद आप 10 से 15 मिनट का वक्फा दें, ठीक है, इसको स्किप कर दें। और 10 से 15 मिनट का वक्फे के बाद फिर दोबारा मेल बनाएं, ठीक है, ताकि मतलब गूगल को भी शक ना हो कि मतलब आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं और आप ट्रेस ना हो, ठीक है। तो आपने करना ये है कि 2 से 3 मेल्स बना लेने, बना के 10 मिनट रुक जाना, उसके बाद अगेन आपने इंस्टा बनाते रहना, ठीक है। 1 घंटे के अंदर कम से कम बना लें तो तकरीबन 10 10 या 11 मेल्स बना लें, काफ़ी इनफ है एक्चुअली। तो आप अगर आप 10 घंटे भी काम करते हैं ना इस पर, तो ये आपकी तकरीबन बनती है 100 मेल्स बनती है, ठीक है। तो 1 मेल आपकी है ये 40 रुपये की, 40 रुपये भी लगाएं तो आपकी 10 मेल 400 रुपये, तकरीबन 4,000 का काम आप डेली बैठ के ये कर सकते हैं, वो भी इजीली, ठीक है। तो ये आपकी 1 मेल बन के आ गई हुई है। तो बाकी आप मेथड मैंने आपसे शेयर कर दिया कि आप इस मेथड को यूज़ करते हुए अपने लिए जो जीमेल बना सकते हैं। आपने बस अब करना क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो मैं लेटेस्ट मेथड लेके आऊँ वो आपके साथ शेयर होते रहे और आपसे थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।